तो वाकई इन तस्वीरों के बाद सवाल जरूरी है कि क्या वाकई जनता टैक्स इसीलिए भरती है। बारिश हुई तो हरियाणा की आर्थिक राजधानी भी पानी पानी हो गई। विधायक साहब के घर में पानी भर गया, सड़कों पर कमर तक पानी भर गया, कहीं जाम लग गया तो कहीं लोग पैदल ही बाइक खींचते नजर आए। बारिश में पानी पानी हुई साइबर सिटी का दर्द इस रिपोर्ट के जरिए बहुत बारीकी से समझिएगा। मैं गुरुग्राम हूं, आप मुझे कितने नामों से जानते हैं। कोई मुझे साइबर सिटी कहता है तो कोई मुझे हरियाणा की आर्थिक राजधानी बताता है, लेकिन जरा मेरे अंदर झांक कर तो देखिए। ये मेरा विकास है, हाँ मेरा विकास। मैं हरियाणा का सबसे ज्यादा कमाने वाला शहर हूं। प्रदेश के कुल राजस्व में मेरा बड़ा योगदान है। मंत्रियों का काफिला चलता है, संतरियों का खर्चा चलता है, अधिकारियों का घर चलता है, लेकिन मैं कैसा हूं आप देखिए। हां झांकिए मुझ में, मैं आपका गुरुग्राम हूं। गुरुग्राम के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यह दावा किया था कि 117 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे वोटर लॉगिंग जैसी समस्या सामने आती रही है, और इस बार की मानसूनी बारिश में जिला प्रशासन द्वारा खास तैयारियों का भी दावा किया गया था। और इन तैयारियों के दावे के बाद यह कहा गया था कि इन 117 पॉइंट्स पर जल भराव जैसी कोई स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। 2016 के महाजाम के बाद जो फजीहत झेलनी पड़ी थी साइबर सिटी गुरुग्राम को, उसके बाद से लेकर अब तक मौजूदा वक्त तक करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं इन तमाम चीजों को लेकर कि मानसूनी बारिश में जल भराव जैसी स्थिति तमाम इलाकों के अंदर देखने को ना मिले। लेकिन कहीं ना कहीं सूरत हाल हैरान और परेशान कर देने वाला जरूर है कि विधायक जी के खुद के घर की बेसमेंट में पानी यानी जल भराव जैसी स्थिति पैदा हो गई है। और अगर ये बारिश नहीं रुकी तो और जो बुरे हालात हैं वो सिविल लाइन्स के तमाम इलाकों के अंदर या यहाँ पे रहने वाले जो तमाम रेजिडेंट हैं उनके साथ उनके घरों में झेलने पड़ सकते हैं। और ये जो सूरत हाल है गुरुग्राम के तमाम इलाकों का है। कोई तो समझिए मेरी परेशानी, मेरा दर्द, मेरी आह, मेरी चीख। वादे सब करते हैं मेरे विकास का, मुझे बताते हैं चमकता हुआ शहर मेट्रो सिटी, लेकिन सब बताते ही हैं बारिश के दिनों में मेरा कैसा हाल है आप खुद देखिए। हर बार मानसून आता है, हर बार मैं दरिया बन जाता हूं, हर बार बारिश होती है, हर बार मैं लोगों को परेशानी में डाल देता हूं। थाम देता हूं वाहनों के पहियों की रफ्तार, बहा देता हूं विकास के वादे, गोते खाते हैं कारों के पहिए, मैं ऐसा ही हूं। आप कहिए मुझे हरियाणा की आर्थिक राजधानी, गर्व कीजिए मुझ पर, क्योंकि मैं हूं डूबती, गोते लगाती, बरसात के पानी के झंझावातों से जूझती आपकी अपनी साइबर सिटी। विधायक जी का घर है ये, और ये मोटर लगाकर इस पानी को फिलहाल बाहर निकालने की कोशिश ये कवायदें की जा रही हैं। और ये हर बारिश के अंदर यही सूरत हाल होता है, यानी जो दावे किए जाते हैं जिला प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा कि इस बार की मानसूनी बारिश में शर्मनाक स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जो व्यवस्थाएं करनी है वो जिला प्रशासन के अधिकारियों को ही करनी है, क्योंकि उन्हें इस काम के लिए स्पेशली लगाया जाता है। अब आपको लेके चलेंगे बेसमेंट के इलाके में, जहां पे आप देखेंगे कि किस कदर बेसमेंट में हर बार की मानसूनी बारिश में यह शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ता है। ये विधायक जी के घर की बेसमेंट है, और इसमें आप देख सकते हैं कि जो बरसाती पानी है यह कहीं ना कहीं इन सीढ़ियों के जरिए यहां पे इकट्ठा हो रहा है, और हर बार की मानसूनी बारिश में इस तरह की शर्मिंदगी का नजारा इस बेसमेंट में देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं चारों तरफ जो इलाका है वो बारिश के पानी से लबालब है, जो कहीं ना कहीं हैरान और परेशान जरूर कर रहा है कि जब विधायक के घर में ये सूरत हाल है तो आम नागरिकों के किस तरह से मकानों को या उनकी बेसमेंट में या उनके घरों में जिस तरह से जल भराव की स्थिति होती है उनको कैसे राहत देने की बात करते हैं जिला प्रशासन के अधिकारी, अपने आप में बड़ा और गंभीर सवाल जरूर है। हर बार गुरुग्राम नगर निगम बारिश के पानी को निकालने के बंदोबस्त का वादा करता है,
हर बार वो वादे मेरे जिस्म पर बहते पानी में तैरते नजर आते हैं। हर बार लोगों के घरों में पानी भर जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं, मेरी तौहीन करने लगते हैं और मैं बेबसी से बस सब सुनता रहता हूँ। और फिर मैं देखता हूँ उन वादाखोरों को, उन जिम्मेदारों को, उन हुक्मरानों को जिनके चरित्र से उतरा पानी लोगों के घरों में भर जाता है। लॉकडाउन में मेरे फादर ने कमिश्नर साहब को एक लेटर लिखा था, उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि जो लॉकडाउन का समय है अगर हम इसको यूटिलाइज करें प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम को, वाटर लॉगिंग के हिसाब से जितनी भी कंस्ट्रक्शन है जो नई फ्रेश करनी है, जो पेंडिंग है, अगर उनको कर लें तो आने वाले टाइम में वेदर अगर कुछ ख़राब होता है या पानी भरता है, जल समस्या होती है गुड़गांव के अंदर, तो उस तरीके की समस्या ना देखने को मिले लोगों। आपको याद है ना 2016 का महाजाम, मेरी बहुत फजीहत हुई थी उस महाजाम में। जो जहां फंसा था वहीं रह गया, वहीं से ताड़ता रहा था आगे की कतारों को, वहीं से कोसता रहा था अपने आप को कि आखिर मैं किस शहर में आकर फंस गया। शायद मुझे शहर कहना शहर के साथ गुनाह होगा, इसे मैं अपनी बदनसीबी कहूं या सत्ताधीशों की वादा खिलाफी कि हर बारिश में मुझे रोना पड़ता है, बिलखना पड़ता है, चीखना पड़ता है और वादों के शोर में मेरी चीख तभी रह जाती है, या यूं कहूं उन चीखों का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। हाँ, मैं आपकी अपनी साइबर सिटी हूं। गुरुग्राम से जनता टीवी के लिए नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट। तो गुरुग्राम में झमाझम बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल कर रख दी। दरअसल हालात ये हैं कि साइबर सिटी की सड़कें तालाब बन चुकी है। देखिए हमारे संवाददाता नीरज वशिष्ठ ने साइबर सिटी का जायजा लिया, तस्वीरें कैसी रहीं देखिएगा। इसलिए भी है क्योंकि 2016 के महाजाम के बाद, फजीहत के बाद ये दावे किए जाते रहे हैं करोड़ रुपए खर्च करने के बाद कि साइबर सिटी का सूरत हाल जल्द बदलने वाला है, जल्द आपको वाटर लॉगिंग जैसी समस्या से दो चार नहीं होना पड़ेगा। इसके लिए तमाम योजनाएं, तमाम खाका तैयार किया जा रहा है। हम आपको लेकर चलेंगे उन तमाम वाटर लॉगिंग जैसे इलाकों में जहां की शर्मनाक तस्वीरें एक बार को सोचने पर मजबूर कर देंगी कि आखिर और कितनी तैयारी चाहिए अधिकारी जी, और कितने शर्मनाक स्थिति का, शर्मनाक नजारों का सामना करना पड़ेगा अधिकारी जी। ये तस्वीरें मिनी सचिवालय की हैं, मिनी सचिवालय से सटे इलाके की हैं, जहां पे जिला के तमाम बड़े अधिकारियों का आना जाना, उठना बैठना होता है। तमाम अधिकारियों के ऑफिस यहां पे हैं। मिनी सेक्रेटरिएट में जिला उपायुक्त भी बैठते हैं। जिला उपायुक्त ने ये तमाम दावे मानसूनी बारिश से पहले किए थे कि 117 ऐसे पॉइंट्स की पहचान की गई है और उन 117 पॉइंट्स पर लगातार काम किया गया है, लेकिन बावजूद इसके ये शर्मनाक नजारे कहीं ना कहीं जनता को परेशान करते रहे हैं। हैरान और परेशान कर देने वाली तस्वीरें हमने आपको इससे पहले भी दिखाई थी कि कैसे गुरुग्राम के विधायक सुधीर सिंगरा की बेसमेंट तक में पानी भर गया। इसके साथ साथ तमाम सेक्टर्स की बात करूं, चाहे हम सेक्टर 9 की बात करें, सिविल अस्पताल की बात करें, या फिर सेक्टर 5, सेक्टर 7, सेक्टर 10, सेक्टर 37, सेक्टर 40, सेक्टर 31, इन तमाम इलाकों में भारी बारिश के बाद भारी जलभराव की स्थिति देखने को मिली थी। आपने दावा किया था अधिकारी जी कि ऐसी तमाम आपातकाल जैसी स्थिति में तमाम अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा, लेकिन गुरुग्राम पुलिस के कर्मचारियों के अलावा आप पर कोई अधिकारी ऐसी आपातकाल जैसी स्थिति में मौके पर नजर नहीं आ रहा है, लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है। आपने जो फ्लड कंट्रोल रूम बनाया था वहां पे किस तरह की शिकायतों का निवारण आपके द्वारा किया जा रहा है, यह भी कुछ साफ नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल शहर के बीचों बीच का इलाका है और यह कोई समंदर की लहरें नहीं है मित्रों, यह मिनी सेक्रेटरिएट के पास के इलाके का नजारा है जहां पे ड्रेनेज कब और कौन से युग में बनाई जाएगी, यह भी एक बड़ा सवाल जरूर बना हुआ है, क्योंकि तमाम अधिकारियों के सामने इस तरह की स्थिति का सामना हर बारिश में करना पड़ता है। हर बारिश में यहाँ पे लोगों को जाम के झाम के चक्कर में पड़ना पड़ता है, लेकिन जो दावे किए गए थे मानसूनी बारिश से पहले कि करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, लाखों रुपए खर्च किए गए हैं, इस बार की मानसूनी बारिश में ऐसी किसी भी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो सुनिए अधिकारी जी, कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत की जरूरत है, जमीनी हकीकत को जानने की जरूरत है। केवल एयर कंडीशनर
कमरों में बैठकर योजनाएं बनाएं, कागजी योजनाएं बनाएं। ऐसी तमाम योजनाएं कैसे कागजों पर दम तोड़ती हैं, जमीनी हकीकत आपके सामने है। और इन जमीनी हकीकत के आधार पर क्या कुछ कार्रवाई आपके द्वारा की जाएगी, क्योंकि नगर निगम कमिश्नर ने भी साफ तौर से कहा था, अधिकारियों को चेताया था कि किसी भी अधिकारी के इलाके में अगर जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसका खामियाजा उस अधिकारी को भी झेलना पड़ सकता है। तो नगर निगम कमिश्नर ऐसे तमाम लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ क्या कुछ माकूल कार्रवाई करेंगे, यह भी एक बड़ा सवाल जरूर बनता जा रहा है। बीते साल भी, बीती मानसूनी बारिश में भी, यानी जो 4 से 5 दिन पहले हुई थी, इसी सबवे के अंदर एक शख्स की डूबने से मौत हुई थी। अभी उस मामले की तफ्तीश ही चल रही है, जबकि आज दूसरे सबवे में पानी जमा होने से एक बार फिर शर्मनाक स्थिति का, खौफनाक स्थिति का सामना उन लोगों को भी करना पड़ रहा है जो पैदल पथपार के जरिए अपने गंतव्य स्थानों की तरफ जाते हैं। अब ऐसे में कब और कौन से युग में हमारी इस फरियाद को सुना जाएगा अधिकारी जी, यह भी एक बड़ा सवाल जरूर बना हुआ है। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, जनता टीवी, गुरुग्राम।